सो हे गाइस, स्वागत है आपके एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरईसी लिमिटेड को लेकर। आरईसी लिमिटेड में आज आप लोग देखोगे 2.5% के करीब गिरावट जरूर देखने को मिली है। और ये शेयर अपने बाउंड वीक हाई से जो कि 600 रुपये प्लस था अभी पीछे गया था, वहां से काफी अच्छी गिरावट में आरईसी, ईपीएफसी, इरेडा, इन तीनों शेयरों में जमकर गिरावट हुई है। और ये गिरावट आप लोग कहीं ना कहीं हद तक मार्केट का भी इस गिरावट के पीछे हाथ है। और इन शेयरों में जो काफी अच्छी रैली बनी थी उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का भी यहाँ पर असर हो सकता है। और जो एफआई है ये लगातार यहां पर हमारे मार्केट में सेलिंग कर रही है, चाइना की तरफ जा रहा है, उसका भी एक इंपैक्ट है यहां पर भी देखने को मिल सकता है। बट पैनिक नहीं होना है। पावर सेक्टर अभी जो ना अभी आप लोग देखोगे तो बियरिश मोड में नहीं आने वाला है। अभी पावर सेक्टर में और अच्छी ग्रोथ आएगी, तो इसलिए पावर, रेलवे, डिफेंस, इन सेक्टर्स को जो अभी के टाइम मंदा लेके चल रहा है ना भाई, वो आने वाले एक साल में बहुत तगड़ी मार खाएगा। इसीलिए इन सेक्टर्स के अंदर जहां पर भी आपको मौके मिल रहे हैं, जो स्टॉक अच्छी खासी गिरावट में मिल रहे हैं, वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ते हैं, वहां पर टूट पड़ी है। अगर इसकी मैं बात करूं तो वैल्यूएशन के हिसाब से ये स्टॉक कैसा है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ज्यादा चीप प्राइस पर स्टॉक मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 9.5 के पी पर ट्रेड कर रहा है, तो बहुत सस्ता शेयर है। और इससे सस्ता शेयर मुझे नहीं लगता अभी पावर सेक्टर के अंदर आपको मिलेगा। इरेडा भी इससे थोड़ा महंगा है भाई, लेकिन है ठीक वो भी स्टॉक। यहां पर आया जो RSMFI, ये भी ठीक ठाक है। तो कंपनी की तरफ से दो बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, तो उन दोनों अनाउंसमेंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और कैसा इंपैक्ट आ सकता है वो जानेंगे, क्योंकि Q2 के अपडेट आया ना भाई। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखोगे कंपनी को एक अवार्ड मिला है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है अभी फॉर एक्सेलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये कंपनी ने अनाउंस किया अभी, इसको ये अवार्ड मिला। इसके बारे में आप लोग एक बार डिटेल में अगर देखना चाहो तो वीडियो को पोस्ट करके पढ़ लेना। चलिए अब आपको दिखाते हैं Q2 से रिलेटेड आखिरकार क्या जो अभी अपडेट आते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी कंपनी ने Q2 से रिलेटेड अपने जो आंकड़े वो पब्लिश कर दिए हैं। NSE/BSE की साइट पर आप लोग जाकर इसका चेकआउट कर सकते हो भाई। तो कंपनी ने कैसी ग्रोथ दिखाई भी आप लोगों के सामने है फॉर दी क्वार्टर एंडेड। अगर क्वार्टर एंडेड की बात की जाए तो आप लोग देखोगे लोन डिसबर्समेंट्स में हमें एक अच्छा जंप आते हुए नजर आया है, जो कि Q-on-Q बेसिस पर 13.71% का रहा है, ठीक है। 41,598 करोड़ से सीधा 47,303 करोड़ पर पहुंचा है। और इसके अंदर आप लोग देखो जो रिन्यूएबल एनर्जी लोन बुक है उसमें हमें 37.5% के करीब ग्रोथ देखने को मिली है, 37.35% की ग्रोथ रही है, जो कि 4,329 करोड़ से 5,946 करोड़ पर पहुंची है। अगर हाफ ईयर बेसिस पर बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग देखोगे हाफ ईयर बेसिस पर 20% की ग्रोथ रही है इसके लोन डिसबर्समेंट्स में, और जो रिन्यूएबल एनर्जी का है उसके अंदर 92.68% की ग्रोथ रही है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जिस प्रकार से ये ग्रोथ देखने को मिल रही है, इंक्रीज हो रही है, ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा इंपैक्ट डाल सकती है। तो इसलिए काफ़ी अच्छी लोन बुक रही है अभी इसकी, ठीक है। ऑर्डर लोन बुक वगैरह काफ़ी अच्छी रही है, और एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके अंदर आप लोग डिसबर्समेंट्स देखो, लोन डिसबर्समेंट्स जबरदस्त है और जबरदस्त ग्रोथ आई है। तो इस ग्रोथ के दम पर आने वाले टाइम में जो रिन्यूएबल सेक्टर का हमें दबदबा देखने को मिल रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ RSE/PFC, इरेडा, इन तीनों शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए। और अगर अच्छे खासे डिस्काउंट पर शेयर आए हुए हैं तो भी मौका मत चूकना, ठीक है। आगे आपकी मर्जी, आप किस प्रकार से क्या स्ट्रेटेजी बनाते हो इसके अंदर। चलिए अब इसका चार्ट और दिखा देते हैं आपको। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो अभी आरईसी लिमिटेड कंटिन्यूसली ऊपर से हमें गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसका जो ऊपर में रेजिस्टेंस था भाई, लगभग इस भाव के आसपास रेजिस्टेंस था इसका, 650 के आसपास स्टॉक ने हाई बनाया था, और वहाँ से आप लोग देखोगे इसमें जो गिरावट है वो हमें देखने को मिल रही है अभी के टाइम देखा जाए तो 18% का, 18 से 20% के स्टॉक में जबरदस्त गिरावट है। और इस गिरावट में इस शेयर को कंसीडर करना चाहिए भाई, ठीक। और इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता है होएगा। तो यहाँ पर सपोर्ट पे जो काम करना चाहता है अभी 493 का सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में स्टॉक जब आगे रिजल्ट्स आएंगे इसमें एक बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो मौके हैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के, और स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर अभी भी इसमें कोई दुराय नहीं है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बाकी आपकी मर्जी भी, आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी इसके अंदर आगे के लिए बनाकर चलते हो। स्टॉक एक अप ट्रेंड में, इसमें कोई दुराय नहीं है। इसके अलावा अगर कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।